हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 20.2 केसी सिन्हा क्लास 11। और पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20.1 कंप्लीट किया था। और पिछले वीडियो मैंने आपको थ्योरी भी बताया था। थ्योरी में मैंने ये बताया था कि पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि थ्योरी के साथ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अगेन हम लोग फिर से थ्योरी करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 20.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम लोग प्रूफ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला पहले हम लोग प्रूफ करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका यूज करना सीखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। हालांकि ये सब चीज़ें आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हो, डिस्टेंस फार्मूला, है ना। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसके अंदर हम लोग क्या निकालेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। जो पहला पॉइंट है वो है एक्स वन कॉमा वाई वन, हमारे को पॉइंट दिया हुआ है, और बी पॉइंट है हमारा एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है। ये हमें डिस्टेंस निकालना है ए और बी का। ए पॉइंट कितना है एक्स वन वाई वन, और बी पॉइंट क्या है एक्स टू वाई टू है, इसका डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई पॉइंट दिया हो तो उसका मतलब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका मतलब निकालने के लिए हमें पहले इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग प्लॉट करेंगे, तो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मान लेते हैं ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ताकि हमारा प्रूफ करना आसान हो जाए। तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। हमने इस पॉइंट को लिया एक्स वन वाई, मान लेते हैं पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट ए यहाँ पे है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है। एक पॉइंट और ले लेते हैं, मान लेते हैं बी यहाँ पे है, ठीक है। ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो ए बी का लेंथ निकालना है हमें, ठीक है। कैसे निकालेंगे इस पर बात करते हैं। तो देखो अगर हमें ए बी का लेंथ चाहिए है तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले ए पॉइंट का मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी पॉइंट का मतलब समझना हो तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और उस पॉइंट से वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस है, ये भी क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेकिन ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसका मतलब होता है ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर की दूरी, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर की दूरी, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस से हाइट बता रहा होता है। तो ये जो हाइट है इसका यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा वाई वन हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ कि पॉइंट का क्या मतलब होता है। जैसे इस पॉइंट के बारे में जानना हो तो इस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है। तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स टू, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से यहाँ से और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जो दूरी होगा ना, वही होगा हमारा एक्स टू, ठीक है। ये पॉजिटिव में होना चाहिए, ध्यान रहे। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस से जो इसका हाइट है, यही कौन बताएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो इसका हाइट है वो क्या है, वाई टू के इक्वल है, वाई टू के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें तो लेंथ चाहिए, ए बी का लेंथ चाहिए, ठीक है। तो ए बी का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कुछ और कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ये है कि पॉइंट ए से हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इस पे, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल इस से एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम दे दिए सी। तो ये जो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
ए बी सी, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी का जो स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ऐसा कौन बोले थे, पाइथागोरस साहब बोले थे कि जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसका जो स्क्वायर होगा वो दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। लेकिन हमें तो निकालना है ए बी का लेंथ, क्योंकि डिस्टेंस तो ए बी निकालेगा ना, तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए स्क्वायर को हमने राइट साइड कर दिया। तो स्क्वायर जब भी दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस भी आता है, ये आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि ए बी क्या है, ए बी एक लेंथ है, ए बी लेंथ है तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट तो नहीं होगा, तो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे साइन हटा देते हैं ना, सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग ए सी और बी सी का लेंथ निकालेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो हमारा ए सी का लेंथ है वो कितना हो जाएगा। तो ए सी का जो लेंथ है उसको मैं क्या लिखूंगा, उसको ध्यान से सुनना, देखना। ए सी का जो लेंथ है वो इसी लेंथ के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना ये लेंथ होगा उतना ही लेंथ ए सी का होगा। तो ये जो लेंथ है वो किसके बराबर होगा, तो पूरा का पूरा एक्स टू में से हम लोग एक्स वन को हटा देते हैं तभी तो ये लेंथ मिलेगा। फिर से आप देखो, एक्स टू में से हम लोग एक्स वन को हटा देंगे तो ये लेंथ मिलेगा। तो ये लेंथ क्या बन जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन है, ठीक है। यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन आ गया, इसकी लंबाई। अच्छा, अगर हम लोग ये बी सी की लंबाई पता करें तो कैसे निकालेंगे, तो आप देखोगे ये जो बी सी की लंबाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा क्या है, इतना लेंथ है, इस पूरे लेंथ में से इतना लेंथ हम लोग हटा देंगे, ये पूरा का पूरा वाई टू है, वाई टू में से ये लेंथ हटा देंगे, और ये लेंथ किसके बराबर है, वाई वन के बराबर है। ये वाला जो लेंथ है ये किसके बराबर है, वाई वन के बराबर है। तो हम लोग इस वाई टू में से इस वाई वन को हटा देंगे तो ये लेंथ आ जाएगा बी सी। तो हम लोग बी सी को लिखेंगे क्या, बी सी की लंबाई कितना होगा कि वाई टू में से वाई वन को हमें हटा देना पड़ेगा, ठीक है। ये निकाल दिया हमने बी सी की लंबाई। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ए सी का लेंथ कितना है, ए सी की लंबाई है एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर और प्लस बी सी की लंबाई क्या है, वाई टू माइनस वाई वन। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया डिस्टेंस फार्मूला, यही आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो डिस्टेंस फार्मूला तो आ गया, लेकिन यूज कैसे करेंगे वो सुनना। देखो यूज करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक्स टू माइनस एक्स वन ही बोलो, ठीक है, क्योंकि इस नंबर पे स्क्वायर है। तो अगर आप एक्स वन माइनस एक्स टू भी बोलोगे तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि उस पे स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो या तो आप एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर बोलो या एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा क्योंकि उस नंबर पे स्क्वायर है। तो आप इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। क्या याद रख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर और प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, आप ऐसा भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको याद कैसे रखना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा याद रखना चाहिए, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ये जो एक्स वन माइनस एक्स टू है या फिर है क्या ये, तो एक्स वन माइनस एक्स टू है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। एक्स वन और एक्स टू ये इन दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स वन है ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स टू है बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये जो एक्स वन माइनस एक्स टू बोले या एक्स टू माइनस एक्स वन बोले, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब माइनस, किसका डिफरेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट का। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर है और ये वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर है। तो आप ऐसे याद रखो, है ना, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और इसका स्क्वायर और फिर प्लस में डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, है ना।
डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा याद रखना है आपको, ये सबसे बेहतर है कि आप जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे तो कैसे लगाओगे, अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। चलिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आपको इसका स्पेशल केसेस दिखाऊंगा। चलिए, तो अब हम लोग इस डिस्टेंस फॉर्मूला के कुछ स्पेशल केसेस पे बात करेंगे, ठीक है। देखो, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल केसेस के, किसके स्पेशल केसेस पे, डिस्टेंस फॉर्मूला जो भी हम लोग पढ़े हैं इसका क्या स्पेशल केसेस हो सकता है, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे आप देखे होंगे कि मैंने अभी फर्स्ट क्लास लिया था तो उसमें मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट बताया था, ठीक है, और आज देखोगे होंगे कि डिस्टेंस फार्मूला को जो हमने प्रूफ किया है उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है यहाँ पे। और मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट क्लास होगा उसी का कॉन्सेप्ट हम लोग पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। पहला है ना, हम लोग कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, स्पेशल केसेस देखो, कुछ स्पेशल केस लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट में क्या है कि अभी अभी हमने जो लेंथ लिया था ए बी, कुछ इस तरह से लिया था, है ना, ये कुछ तिरछा था, ऑब्लिक था। क्या हमेशा ये डिस्टेंस जो है वो तिरछा ही रहेगा, ऑब्लिक रहेगा? नहीं, हो सकता है कि ये डिस्टेंस जो है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। उस केस में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो उस केस में भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें हम लोग पहले से याद रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखो, पहला हमने स्पेशल केस में ले लिया कि डिस्टेंस इफ डिस्टेंस इज पैरेलल टू, डिस्टेंस जो है डिस्टेंस इज पैरेलल टू किसके पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर डिस्टेंस एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और कितना आसानी से निकाल सकते हैं उस पे बात करते हैं। तो देखो, इस बार हम लोग डिस्टेंस जो लेने वाले हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रखेंगे, ठीक है। तो देखो, ये वाई एक्सिस है, तो ए को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। ए पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन, और एक पॉइंट बी है। अब जो बी तो ऊपर लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल रखना है, तो इसी के हाइट पे लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे है, ठीक है, तो ये लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, और ये पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है, और इसका लेंथ निकालना है। तो इसका लेंथ आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, कैसे वो देखना। इस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो आपको पता है इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका मतलब है कि ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर की दूरी, ठीक है। अच्छा, इसका जो हाइट है वो इसका वाई कोऑर्डिनेट बताएगा, तो इसका जो हाइट है वो वाई वन है, तो वाई वन हो गया इसका वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, बी से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ओरिजिन से ये जो लेंथ होगा ये हमारा एक्स टू कहलाएगा, ठीक है, और इसका जो हाइट होगा ये हमारा वाई टू हो जाएगा, ये जो हाइट होगा ये वाई टू हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि ए बी का जो लेंथ है वो किसके बराबर होगा, वो इस लेंथ के बराबर हो जाएगा। ये जो लेंथ है ए बी वो इतने लेंथ के बराबर हो जाएगा, और ये लेंथ किसके बराबर है, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए बी की लंबाई है, ए बी की जो लंबाई है उसको बोल सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, और इस पे हम लोग मॉडुलस लगाते हैं। मॉडुलस क्यों लगाते हैं, ताकि नेगेटिव ना आए, ठीक है। अभी तो हमें फोटो में दिख रहा है ना कि एक्स टू बड़ा है एक्स वन छोटा है, तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमेशा फोटो बना के थोड़ी ना हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, इसलिए हम लोग मॉडुलस लगा लेते हैं ताकि कभी निगेटिव ना आए। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, और मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या समझे कि अगर अगर डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ, अगर डिस्टेंस एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ तो 100% उसका जो डिस्टेंस होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही आंसर होगा, ठीक है। ये थ्योरी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यूज कैसे करेंगे सर,
हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्टेंस एक्स एक्सिस के पैरेलल है? ठीक है, तो अब इस पे बात करते हैं। देखो पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। देखो कैसे पता चलेगा वो सुनना। जैसे ही ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ, तो आप देखोगे कि इसमें खास बात ये है कि वाई वन का हाइट और वाई टू का हाइट बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिर्फ वाई वन वाई टू क्या, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका हाइट बिल्कुल सेम रहेगा। सही है, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे वाई वन जो है बराबर हो गया है वाई टू के। ठीक है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट आर इक्वल, तो वाई कोऑर्डिनेट्स आर, वाई कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल कब, जब भी लेंथ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस लाइन पे जितना भी पॉइंट होगा उन सभी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि देखो जी हमें आप डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ किस पॉइंट का। ए पॉइंट दिया हुआ है 2.3 और एक बी पॉइंट दिया हुआ है 5.3। ठीक है, जैसे ही ये पॉइंट मेरे सामने आया तो मेरे नज़र में क्या आ गया कि अच्छा इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो जरूर ये जो ए बी लेंथ बना होगा, ये जो लेंथ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के समानांतर होगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया अच्छा अगर ये लेंथ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब तो इसका डिस्टेंस हम बता आसानी से बता सकते हैं, है ना, कि ए बी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 2 है और 5 है, डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का आ गया, तो 3 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका कितना आसानी से हम लोग डिस्टेंस हम लोग बता पाए, कब हम लोग पॉइंट को एनालाइज कर लिए। ठीक है, तो ये सब पढ़ने का हमारे पास यही फायदा है कि कैलकुलेशन जो है कि बहुत कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो क्या मैंने बोला अभी आपको कि अगर दो पॉइंट आपको ऐसा मिल जाए, दो पॉइंट ऐसा मिल जाए जिसका वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है, जिसका वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो 100% वो डिस्टेंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस है तो उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अगले केस पे आते हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग इसका दूसरा केस लेते हैं। क्या डिस्टेंस हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा? नहीं, हो सकता है ये डिस्टेंस वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो क्या करेंगे? तो अब इस पे बात करते हैं कि अगर डिस्टेंस वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ तो इसका क्या खास बात होगा, है ना, इसमें खास बात क्या होगी? देखो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ तब तो वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, और अब आप दो पॉइंट को देखकर बता सकते हो कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है। अगर दोनों पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इक्वल हो गया तो 100% वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट सेम होने का मतलब कि एक्स एक्सिस से हाइट हर जगह इक्वल है, तो हाइट हर जगह इक्वल है तो वो लाइन कैसा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगले पे बात करते हैं, केस नंबर टू। इफ डिस्टेंस इज पैरेलल टू, डिस्टेंस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ, ठीक है, तो इसमें खास बात क्या है? खास बात देखते हैं अभी हम लोग, पहले फोटो बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। इस बार हम लोग दो पॉइंट इस तरह से रखेंगे ताकि जो लाइन डिस्टेंस हो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वन और वाई वन। ठीक है, एक और पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट को इसके जस्ट ऊपर रखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। अब हमें इसी डिस्टेंस को बताना है कि ये डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालना है, क्या करेंगे? तो फिर से सेम काम, क्या कि पॉइंट ए से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसी पे गिरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें एक्स वन, तो ओरिजिन से ये लेंथ हमारा एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट वाई वन है ये हाइट हो जाएगा वाई वन, तो ये वाला जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट से भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहीं पे गिरेगा, तो ये जो हमारा एक्स टू है तो ओरिजिन से ये लेंथ हमारा एक्स टू कहलाएगा।
ठीक है। अच्छा अब इसका जो एक्स एक्सिस से जो हाइट होगा वही इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब यहाँ से ये जो पूरा हाइट है ये किसके बराबर है, वाई टू के बराबर है। ठीक है तो आप जरा बताओ ए बी की लंबाई, हमें तो डिस्टेंस निकालना है ए बी, तो ए बी की लंबाई किसके बराबर हो जाएगा। तो ए बी की जो लंबाई है वो आ जाएगा, ध्यान से आप देखो ए बी की जो लंबाई है उसमें कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे पूरा का पूरा हाइट वाई टू में से इस वाई वन को हटा देते हैं, इस पूरे हाइट में से इतने हाइट को हटा देंगे, यानी कि वाई टू में से वाई वन को हटा देंगे। ठीक है और हम लोग किस में लिखेंगे, मॉडुलस में, ताकि नेगेटिव ना आए, तो वाई टू माइनस वाई वन, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो वाई वन माइनस वाई टू, डिस्टेंस निगेटिव ना आए इसके लिए मॉडुलस लगाया हुआ है। ठीक है तो अब देखो हमने क्या देखा कि अगर डिस्टेंस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा तो अब इसमें खास बात क्या मिला, खास बात आपको ये मिला कि एक्स वन और एक्स टू दोनों इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का इक्वल हो गया, तो बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट आर इक्वल है ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया इक्वल हो गया। तो अब ये बताओ दो पॉइंट दिया हो तो अगर उस दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाए तो डेफिनेटली उन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो डिस्टेंस जो होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है जैसे मान लो हमने ये क्वेश्चन पूछा कि आप डिस्टेंस बताओ जी, दो पॉइंट दिया हुआ है माइनस टू कॉमा सिक्स और एक पॉइंट बी है उसमें दिया हुआ है माइनस टू कॉमा फोर। ठीक है तो आप बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा, तो आपने जैसे ही इस पॉइंट को देखा ए और बी को, इसमें खास बात मिला, खास बात क्या है, इन दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है, और जैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल हुआ तो आप समझ गए कि ए और बी का जो डिस्टेंस होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, और अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका डिस्टेंस बहुत आसानी से बोल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि सिक्स माइनस फोर यानी कि टू आ जाएगा, है ना, और टू एक पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्ट हम लोग टू भी लिख सकते हैं, दो यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको ये समझ में आया। तो देखो हमने कोई रूट अंडर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं किया कि एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, ये सब फार्मूला अप्लाई नहीं किए। ठीक है तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट केसेस पे, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग इसका लास्ट केस करने वाले, यानी केस नंबर थ्री। ये दो केसेस देख लिए कि अगर डिस्टेंस एक वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ तो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इक्वल होता है। ठीक है ये सब चीज़ें अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको, जब हम लोग कोई बड़ा क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज होता है, तो अभी से आप याद रखोगे तो फ़ायदा होगा, है ना। चलिए तो हम लोग केस नंबर थ्री देखते हैं। इस बार क्या किया हमने कि दो पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट ओरिजिन पर रख दिए और दूसरा पॉइंट कहीं पे भी है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड एनी पॉइंट। ठीक है एक हमने ओरिजिन ले लिया और एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये देखो एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है और ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, तो यहाँ पे ओरिजिन आ गया है ना, एक पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं, चलो इसकी का नाम दे दिए ए, और एक पॉइंट बी ले लेते हैं, बी कहीं पे ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे ले लिए बी है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, चूँकि एक्स वन वाई वन बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, ये 0 0 है, तो हमने दो पॉइंट ले लिया ए और बी, एक पॉइंट कहाँ पे आ गया ओरिजिन पे आ गया, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा ए बी डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम कि इस पॉइंट बी से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ से ये जो लेंथ होगा ये एक्स कहला जाएगा, ठीक है और इसका जो हाइट होगा वो क्या कहलाएगा वाई कहलाएगा, ठीक है ना, ये हाइट वाई हो जाएगा, तो आप बताओ पाइथागोरस थ्योरम से क्या बन जाएगा, इस पॉइंट का नाम देते हैं सी, तो ये एक्स है ये वाई है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, कैसे लिख दिए
पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे ए बी की जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। तो इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि आपके पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कि आप देखो डिस्टेंस बताओ, ए पॉइंट दिया है माइनस टू कॉमा फोर और एक पॉइंट बी दे दिया है जीरो जीरो। जैसे आप देखें कि अच्छा एक पॉइंट जीरो है, तब तो इसका डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है कि ए बी लिखेंगे और रूट अंडर इसका स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर कर देंगे और इधर फोर का स्क्वायर कर देंगे, बस। तो ये हो जाएगा कितना, फोर, और ये हो जाएगा सिक्सटीन, तो ये हो जाएगा ट्वेंटी, तो पाँच चौका बीस यानी फाइव रूट टू इसका यूनिट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बस हो गया। तो आप बोलोगे सर ये तो हम लोग ही निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप निकाल सकते हो, लेकिन आप बार बार वो चीज़ें सोचते हो कि एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप याद रखोगे थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, और जब हम कोई बड़ा क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ इस कॉन्सेप्ट का यूज भी होगा, ठीक है। चलिए, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जो भी स्पेशल केसेस था उसको हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज पे, ठीक है, और ये सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग कोलिनियर की भी बात करेंगे, लेकिन अभी पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर कोलिनियर का कंडीशन भी देखेंगे। कोलिनियर का हमको हिंदी में बोलते हैं संरेखीय, है ना, तो उसका भी कंडीशन देखेंगे। देखो अभी जितना भी एक्सरसाइज चलेगा वो क्लास टेंथ से ही रिलेटेड है ना, क्लास टेंथ में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन समझो कि यहाँ पे आपका एक रिवीजन हो जाएगा और वो पार्ट आपको मिल जाएगा जो पार्ट आपसे मिस हो गया है, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 20.2 है, केसीसी ना क्लास 11th। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला का जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट्स दिया हुआ है, पॉइंट्स क्या क्या है, एक है जीरो जीरो और दूसरा है माइनस फाइव कॉमा ट्वेल्व, ठीक है, बस इसका डिस्टेंस निकालना है। तो इसको आप ए मान सकते हो, इसको आप बी मान सकते हो, तो बताओ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे हमको एक पॉइंट जीरो जीरो दिखा तो हमें समझ में आ गया कि माइनस फाइव का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे 169 यानी कि 13 इसका आंसर हो गया, ठीक है, हो गया आसानी से। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग बनाते हैं, है ना, सोचते कैसे हैं, सोचना कैसे है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस निकालना सभी को आता है, किस तरीके से निकालेंगे, माइंड पे ही कैसे कैलकुलेशन कर लेंगे, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब देखो इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट तो इक्वल है नहीं, तो बस अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो सुनना। क्या हम लोग याद किए थे, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। तो देखो ये फोर है, ये माइनस थ्री है, डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर आप डिफरेंस तो वन का है, नहीं डिफरेंस सेवन का है। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि देखो ये हो गया नंबर लाइन, यहाँ पे आ गया जीरो, ठीक है। अब आप देखोगे ये फोर है, तो फोर किधर होगा, देखो वन टू थ्री फोर यहाँ पे होगा, माइनस थ्री किधर होगा, लेफ्ट साइड माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ठीक है। तो आप बताओ गैप कितने का, गैप मतलब ये डिफरेंस का मतलब ये, तो चार यूनिट का ये गैप हो गया, तीन यूनिट का ये हो गया, तो चार तीन सात, सेवन यूनिट का गैप हो गया। तो फोर और माइनस थ्री इन दोनों के बीच गैप कितने का, तो गैप है सेवन का, तो सेवन का स्क्वायर 49 ऐसे लिखते हैं। फिर प्लस फाइव और टू है, डिफरेंस कितने का, थ्री का, कैसे दिखा देता हूँ। देखो ये है जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, ठीक है। तो देखो ये बोला फाइव, तो जीरो से लेके फाइव यहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक आ गए, ठीक है। फिर इसने बोला टू, तो टू कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक। तो आप देखो इन दोनों के बीच गैप कितने का है, तो ये फाइव में से टू हटा देंगे, है ना, तो क्या बच जाएगा थ्री, तो गैप हो गया थ्री यूनिट, तो थ्री का स्क्वायर नाइन। तो अब इसको ऐड कर दो, नाइन और नाइन एटीन का एट बचा हुआ नहीं, यानी कि 58 आ जाएगा, अंडर रूट 58 यूनिट, है ना। और यहाँ भी यूनिट लिखना जरूरी है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा यूनिट में होगा, तो एक कुछ यूनिट लिख के छोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में, इस तरह से आप सोचोगे आपका कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। देखो सेकंड नंबर पे वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्पेशल केसेस लिखवाया है, इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये फर्स्ट का ए का, फर्स्ट का ये ए था और ये बी था,
है ना, हमने सेकेंड नाम दे दिया। अब है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, एक पॉइंट है हमारा पी पॉइंट है एक्स वन वाई वन, एक्स वन कॉमा वाई वन, और एंड क्यू पॉइंट है, एंड क्यू पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है। व्हेन, अब कंडीशन दिया है, बोला कि व्हेन व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखो पैरेलल को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, उस केस में पी क्यू का आप लेंथ बताओ क्या होगा। फिर बी नंबर कहता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वही केसेस जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो पहले का सोल्यूशन आप देख लो, देखो बोला है पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस के पैरेलल कैसा होगा, वर्टिकल होगा, है ना, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही उसका आंसर हो जाएगा। तो मॉड ऑफ क्या बोलेंगे, वाई वन माइनस वाई टू बोल लो या वाई टू माइनस वाई वन बोल लो, एक ही बात है। तो पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर बोला है कि व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पी क्यू की लंबाई क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू हो जाएगा, इतना यूनिट ये और इतना यूनिट ये, बस हो गया सिंपल, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरी में ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर थ्री पे बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है, देखो क्वेश्चन नंबर टू में लिखा है, ये जितना भी अभी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है ये सभी क्लास टेंथ से ही रिलेटेड है, क्लास टेंथ में इस टाइप का क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें लिखा है एग्जामिन वेदर द पॉइंट, है ना, एग्जामिन का मतलब होता है टेस्ट करना, ठीक है, एग्जामिन वेदर, एग्जामिन वेदर द पॉइंट, है ना, वेदर द पॉइंट, द पॉइंट्स, वेदर द पॉइंट्स, पॉइंट्स कितना है, वन कॉमा माइनस वन, वन कॉमा माइनस वन कॉमा, फिर है माइनस फाइव कॉमा सेवन, माइनस फाइव कॉमा सेवन, एंड टू कॉमा फाइव, एंड टू कॉमा फाइव, टू कॉमा फाइव आर इक्विडिस्टेंस, आर इक्विडिस्टेंस, आर इक्विडिस्टेंस, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट माइनस टू कॉमा थ्री, माइनस टू कॉमा थ्री, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बनाना तो बहुत ही आसान है। एग्जामिन वेदर द पॉइंट्स मतलब इनमें से कौन, इनमें से जो ये सभी जो पॉइंट है, क्या ये सभी पॉइंट इस वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब, इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस, इसका क्या मतलब होता है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस मतलब क्वेश्चन वालों ने हमसे ये पूछा है कि बताइए ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट इस वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें चेक करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा इक्वल डिस्टेंस है या नहीं है। तो हमने मान लिया इन तीनों पॉइंट को, कुछ मान लेते हैं कि लेट, लिख लेते हैं यहाँ पे लेट ए पॉइंट कितना है वन कॉमा माइनस वन, और बी, बी पॉइंट मान लेते हैं बी पॉइंट माइनस फाइव कॉमा सेवन, और सी पॉइंट मान लेते हैं टू कॉमा फाइव, ठीक है। ए बी सी इन तीनों को मान लिए, एंड सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको पी मान लेते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट से हमें डिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा पी ए का लेंथ क्या है, पी ए की लंबाई, फिर हम लोग चेक करेंगे पी बी की लंबाई, फिर हम लोग पी बी की लंबाई चेक करेंगे, फिर पी सी की लंबाई चेक करेंगे। अगर ये तीनों बराबर आ गया तो बोलेंगे यस इक्वल डिस्टेंस पे है, और नहीं तो बोलेंगे नो। देखो तो पी ए कैसे निकलेगा, तो पी ए रहा ए रहा, तो इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, तो देखो वन है ये माइनस टू है, तो डिफरेंस कितने का, थ्री का, कैसे, माइनस टू का मतलब दो यूनिट इधर होगा ओरिजिन से, और एक है एक यूनिट ओरिजिन से इस साइड होगा, तो दो एक तीन यूनिट हो गया। तो डिफरेंस कितने का है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तीन है, तो थ्री का स्क्वायर नाइन, प्लस फिर
वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये माइनस वन है, ये तीन है, तो वाई कोऑर्डिनेट पर माइनस वन नीचे आ जाएगा और तीन चला जाएगा ऊपर, यानी कि फोर होगा, तो फोर का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा, 16 और 25 का 5 आ जाएगा, तो ये हो गया 5 यूनिट, पी आ गया 5 यूनिट, ठीक है। अच्छा पी भी निकालते हैं, तो पी ए रहा बी ए रहा, तो माइनस फाइव और माइनस टू, डिफरेंस कितने का, तीन का, कैसे, ऑरिजिन से माइनस पाँच इधर, फिर ऑरिजिन से माइनस दो इधर, तो गैप हो जाएगा तीन का, तो तीन का स्क्वायर कितना होता है 9, और फिर प्लस, फिर ये तीन और ये 7 है, तो 3 और 7 गैप कितने का, 4 का, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी हो जाएगा 5। पी सी की बात करते हैं, तो पी ए रहा सी ए रहा, माइनस टू और प्लस टू, गैप कितने का हो जाएगा, 4 का, कैसे, ये माइनस टू इधर और वो प्लस टू इधर, तो गैप हो जाएगा 4 का, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो यहाँ 16 लिख देंगे। और फिर 3 और 5 है, तो 3 और 5 गैप कितने का, 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 16 और 4 20 हो जाएगा, 20 अंडर रूट 20 आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 सॉरी 2 रूट 5, 5 चौके 20 होता है, तो 2 रूट 5। तो आप देखो क्या ये तीनों इक्वल है, नहीं, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पी ए जो है वो इक्वल तो है पी बी के, लेकिन ये इक्वल नहीं है पी सी के, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, आंसर में होगा नो, क्योंकि हमसे ये पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था कि आप बताइए कि ये तीनों पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे नो, आंसर में नो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में कर चुके, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं। अभी यहाँ पे एक दो एक्सरसाइज ऐसा होगा जो कि बिल्कुल क्लास 10th से ही रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल क्लास 10th पे बेस्ड है, लेकिन हाँ इससे क्या होगा कि आपका स्पीड अच्छा होगा, जो आप भूल चुके हैं वो आपको समझ में आएगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप शायद क्लास 10th पर नोटिस नहीं किए होंगे, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के फर्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इसमें लिखा है फाइंड ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड ए, ए की वैल्यू निकालना है, फाइंड ए इफ इफ द डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा टू, बिटवीन को हम ऐसे लिखते हैं ए कॉमा टू, ए कॉमा टू एंड थ्री कॉमा फोर, एंड थ्री कॉमा फोर, थ्री कॉमा फोर ही है, हाँ बिल्कुल, इज एट, इज एट, इज एट, ठीक है। हमें क्या करना है कि ए की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है, फाइंड ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा टू एंड थ्री कॉमा फोर इज एट, कहने का मतलब ये हुआ ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 8 है, यानी डिस्टेंस 8 है, तो आप बताइए इस a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं लेट a पॉइंट जो है वो a कॉमा टू है, एंड b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू, b जो पॉइंट है वो 3 कॉमा 4 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है गिवन में, गिवन में ए बी का जो डिस्टेंस वो कितना है 8 है, उसने दे रखा है, तो आपको पता होगा कि ए बी लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ए बी निकालने के लिए ए और बी है, तो रूट अंडर, रूट अंडर क्या करेंगे बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, तो ए माइनस थ्री का स्क्वायर कर देंगे, ए माइनस थ्री का स्क्वायर, और टू और फोर डिफरेंस कितने का है, टू का है, तो टू का स्क्वायर कितना, फोर, डायरेक्ट लिख दिए, इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वाडिंग करना होगा, तो स्क्वाडिंग बोथ साइड है ना, स्क्वाडिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये a माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू 8, फोर उठा के इस साइड कर लेंगे तो a माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 माइनस कर दिए तो 8 माइनस 4 4 आ गया, अब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो a माइनस थ्री इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस रूट अंडर 4 हो जाएगा, जब भी स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो प्लस माइनस भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लास 10th में ऐसा नहीं करते थे लेकिन अब करना है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 का रूट 2 आ जाएगा a माइनस 3। अब यहाँ से एक बार प्लस 2 को लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस 2 को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो a माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बोलेंगे या फिर a माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 बोलेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, a की वैल्यू 1, तो आपका a की वैल्यू 2 आएगा, एक आएगा कितना 5, एक आएगा 1। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा कैलकुलेशन सही है ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तीसरा का पहला,
तीसरा का पहला, फाइंड ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हाँ, इस बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग जरा देख लेना, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, उसने कुछ और दे दिया। इस तरह से आंसर दिया है 3 ± √16, ये तो डिस्टेंस वो निकाल के दे दिया होगा, है ना, जो कि गलत होगा। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते, क्वेश्चन सही था, a,2 और 3,4, a,2 3, बिल्कुल सही है ना, तो इस हिसाब से हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग इसका सेकंड पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 3 का सेकंड पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या है, 3 का सेकंड नंबर इसमें लिखा, अ लाइन इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट्स, अ लाइन इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट, 10 यूनिट का लंबाई का एक लाइन है, एंड वन ऑफ इट्स एंड इज, एंड वन ऑफ इट्स एंड इज, है ना, एक किनारा का पॉइंट दिया हुआ है -2,3, -2,3, इफ द ऑर्डिनेट, है ना, इफ द ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड इज 9, है ना, दूसरे पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो 9 है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट द एब्सिसा द ABCIEEE, एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑफ द अदर एंड यानी दूसरे किनारा का जो एब्सिसा होगा इज इज क्या आना चाहिए, आना चाहिए 6 और -10, 6 और -10, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो क्वेश्चन वालों ने क्या बोला, अ लाइन इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट, एक लाइन है जिसकी लंबाई कितना है, 10 यूनिट है, ठीक है, तो हमने एक लाइन ले लिया, लो जी एक लाइन ले लेते हैं, इसकी लंबाई कितना है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट्स है, ठीक है। फिर बोलता है एंड वन ऑफ इट्स एंड, वन ऑफ इट्स एंड का मतलब इसका जो एक किनारा है, उसको ए मान लेते हैं, ठीक है, इज -2,3, यानी इसका पॉइंट दिया है -2,3। फिर बोलता है इफ द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब आप समझते हो, ये ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, और एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड इज 9, यानी कि दूसरा किनारा का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 9 है, ठीक है ना, दूसरा किनारा का जो वाई कोऑर्डिनेट 9 है, तो बोल रहा है प्रूव दैट, आप प्रूफ कीजिए द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 6 और -10, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 6 होगा या फिर -10 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो एब्सिसा है उसको क्या मान ले, चलो ए मान लेते हैं, ठीक है ना, तो यहां पे लिख लेते हैं लेट लेट एब्सिसा ऑफ अदर एंड इज ए, हमने बी अदर एंड बी ए मान लिए, ठीक है ना, तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे। देखो तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ए बी की लंबाई 10 है, तो यहां पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है। अब ए बी की लंबाई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए रहा बी ए रहा, तो बोलो -2 और a दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, तो ऐसा लिखते हैं a -(-2), तो a+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और फिर 9 और 3 गैप कितने का, 6 का, तो 36 हो जाएगा, 3 और 9 गैप कितने का, 6 का, तो 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे है 10, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्यों, ताकि ये रूट हट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा a+2 का स्क्वायर और +36 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब इस 36 को उठा के इधर कर देते हैं, तो a+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 -36 कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा, है ना।
अब जो स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो क्या बचेगा, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 64। अब यहाँ पे a प्लस टू की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दो वैल्यू है, a प्लस टू इज इक्वल टू 8 या फिर a प्लस टू इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना आएगा, 8 माइनस टू 6 आ जाएगा, या फिर यहाँ से a की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 8 माइनस टू माइनस 10 आ जाएगा, सही ना। तो हम लोगों ने क्या देखा, एब्सिसा r, एब्सिसा जो आया इज 6 और माइनस 10, और ये हो गया प्रूव्ड, है ना। यही हमें प्रूफ करना था कि दूसरे एंडिंग पॉइंट का जो एब्सिसा होगा या तो 6 होगा या तो माइनस 10 होगा, और ये हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। यानी कि डिस्टेंस ही हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दो दो पॉइंट दिया है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो 4 में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, और उसमें पहला क्वेश्चन है 4 का पहला नंबर। इसमें लिखा है ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा है, ब्रैकेट में ए कॉस अल्फा और फिर ए साइन अल्फा, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है एंड ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा है, एंड जो दूसरा पॉइंट है ए कॉस बीटा और फिर अगला है ए साइन बीटा, ये हमारा पॉइंट दिया हुआ है और हमें डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ए बी निकालते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस बीटा और इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस में वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे, यानी ए साइन अल्फा माइनस ए साइन बीटा और इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो पहला वाला टर्म है इन दोनों में ए कॉमन है, लेकिन इस पे स्क्वायर है, तो बाहर ए स्क्वायर आ जाएगा, बाहर ए स्क्वायर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों में आप देखो ए कॉमन है और इस पे स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखो आपके सामने दो टर्म है ना, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और दूसरा टर्म ये है, इन दोनों टर्म में ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आएगा तो क्या दिखेगा ए दिखेगा, है ना, रूट से बाहर ए दिख जाएगा और अंदर में क्या लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का स्क्वायर और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी माइनस टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और फिर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो क्या क्या हमने ये फॉर्मूला पे तोड़ दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है और ये जो साइन स्क्वायर अल्फा है ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा वन, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा वन हो जाएगा
और यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर बीटा और ये साइन स्क्वायर बीटा ये भी वन हो जाएगा, तो ये भी ये दोनों मिल के वन दे देगा, ये वन दे देगा और ये दोनों मिल के वन दे देगा, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इस तरह से, ए ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा टू, टू कैसा आया समझ में आ गया आपको। अब ये जो दो टर्म बच गया है, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, इन दोनों में माइनस टू कॉमन है, तो माइनस टू हमने कॉमन लिया, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बच जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और माइनस कॉमन ले चुके तो प्लस में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है ये आ गया। अब देखो अब यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक फॉर्मूला काम करेगा, अगर आप लोग क्लास इलेवेंथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, ठीक है, और अगर आप नहीं पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ लेना, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियोस देखना। तो ये हो जाएगा टू माइनस टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का होता है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो फॉर्मूला ये होता है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइन प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें बन रहा है ये चीज़ें बिल्कुल इसी से मैच कर रहा है, ए की जगह अल्फा है और बी की जगह बीटा है, तो बोलो क्या बन जाएगा, तो उसके जगह ये लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों में टू कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है टू, तो हमने यहाँ पे टू कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा वन माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, ये बच जाएगा। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हो, अगर आप नहीं पढ़े हो तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, और अगर आप पढ़े हुए हो तो आपने ये भी पढ़ा होगा मल्टीपल एंगल में, क्या पढ़ा है आपने कि कॉस टू थीटा का जो फार्मूला होता है वो चार फार्मूला होता है, ठीक है, और उसमें से इम्पॉर्टेंट सबसे कौन सा वाला है, तो इम्पॉर्टेंट तो खैर सभी है, लेकिन एक फॉर्मूला ये भी होता है, क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, आपने मल्टीपल एंगल में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है। और अगर आप मेरा वीडियोस देख के पढ़े हो तो मैंने इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाया था मल्टीपल एंगल में, और ये जो फार्मूला है उसी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का एक पार्ट है। कैसे आया था मैं आपको समझा देता हूँ, देखो इस कॉस टू थीटा को उठा के इस साइड करते हैं, टू साइन स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस, ये हो जाएगा कॉस टू थीटा, बस यही वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ना, मैंने बहुत सारा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाया हुआ है। तो ये है वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे एंगल है, जो यहाँ पे एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ होता है, यहाँ पे टू थीटा तो यहाँ पे थीटा है, अगर यहाँ पे थीटा होता तो यहाँ पे थीटा बाई टू होता, ठीक है, पहली चीज़ है। अब आपको ये सोचना है क्या हमेशा यहाँ पे टू थीटा मिलेगा, नहीं हमेशा टू थीटा नहीं होगा, तो देखो टू थीटा की जगह आज क्या लिखा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा है, तो ये जो फॉर्म है वो बिल्कुल इसी के फॉर्म में है, वन माइनस कॉस थीटा जैसा, देखो वन माइनस कॉस थीटा जैसा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से कि इज इक्वल टू ए और रूट अंडर, ये टू तो है ही, तो बोलो वन माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, कैसे, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिखे हैं, इस टू थीटा की जगह हमने थीटा लिख दिया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टू साइन स्क्वायर, तो देखो टू साइन स्क्वायर है, जो यहाँ पे एंगल है उसी का हाफ एंगल यहाँ होता है, देखो यहाँ पे टू थीटा, तो यहाँ टू थीटा का हाफ थीटा हुआ, तो यहाँ पे थीटा का हाफ थीटा बाई टू हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है वो बिल्कुल इसी पे सेट है, थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा है, तो क्या लिखेंगे, तो इसके जगह लिखेंगे इनटू में टू साइन स्क्वायर और थीटा बाई टू, तो थीटा की जगह क्या है, अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब ये टू टू जा हो गया फोर, तो एक टू बाहर आ जाएगा, है ना, तो रूट से एक टू बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये बच जाएगा।
अब आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि देखो कि अगर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर लिखा हो तो इसी को हम लोग मॉड ऑफ एक्स बोलते हैं। ये भी मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया है, ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो मेरा प्लेलिस्ट। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर को ही मॉड ऑफ एक्स बोलते हैं। तो देखो ये रूट अंडर साइन स्क्वायर जैसा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ए छूट गया तो 2a है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a है ना, और ये मॉडुलस के अंदर आ जाएगा, मॉडुलस ए को भी मॉडुलस के अंदर रख देंगे, क्योंकि ये क्या है ए बी एक लेंथ है, ए बी क्या है लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको भी मॉडुलस में आप डाल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, क्योंकि हमें ए की वैल्यू पता नहीं ना कितना है, नेगेटिव हो गया तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए हमने क्या लगा दिया मॉडुलस लगा दिया, ताकि जो हमारा डिस्टेंस आए हमेशा पॉजिटिव आए। तो इतना यूनिट आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए ये तो क्वेश्चन था 4 का पहला, अब हम लोग इसके सेकेंड पर बात करते हैं। चलिए अब हम लोग 4 के सेकंड नंबर पे बात करेंगे, तो इसमें 4 क्वेश्चन है, सभी में हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ इसको आप ध्यान में रखते हो, आप भी सीखो कि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है। देखो ज़्यादातर दिक्कत कहाँ पर होता है, कैलकुलेशन में ही ज़्यादा दिक्कत है, फॉर्मूला तो सभी को याद रहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को याद है, लेकिन मेन है इसका कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी यूज है, और जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है, यानी कि 11th का सबसे अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज पूरा पूरा क्लास 12th के पूरा कैलकुलस में बहुत ज़्यादा है, सही है ना, कहने का मतलब पूरा मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज है तो ट्रिग्नोमेट्री का है। चलिए 4 का हम लोग सेकेंड पर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है, ए टी वन का स्क्वायर कॉमा 2 ए टी वन, ठीक है, और अगला है एंड अगला है ए टी टू का स्क्वायर कॉमा 2 ए टी टू है, ठीक है, और हमें निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो बोलो ए बी का लेंथ कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर लेंगे, है ना, एक्स कॉर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि ए टी वन का स्क्वायर माइनस ए टी टू का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, एक्स कॉर्डिनेट का डिफरेंस हमने लिया, इस पर स्क्वायर डाल दिया, फिर प्लस अब क्या करना है वाई कॉर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि 2 ए टी वन माइनस 2 ए टी टू और इस पर डाल देंगे हम लोग स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं इन दोनों टर्म में ए कॉमन है, तो हमने ए कॉमन ले लिया, तो बाहर में क्या दिखेगा ए स्क्वायर दिखेगा, क्यों, क्योंकि इससे ए कॉमन लेंगे उसके पावर में स्क्वायर है, तो बाहर ए स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा टी वन का स्क्वायर माइनस टी टू का स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों टर्म में टू ए कॉमन है इसके स्क्वायर है, तो बाहर क्या दिखेगा 4 ए स्क्वायर दिखेगा, अंदर क्या बचेगा टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अच्छा इस पर स्क्वायर छूट गया, दे दिए स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये ए स्क्वायर यहाँ पे भी ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, ये हमारा क्या है 2 टर्म है, तो ए हम लोग बाहर ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, फिलहाल अभी हम लोग रोक के रखते हैं इसको, ठीक है ना, अगले स्टेप में लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी वन प्लस टी टू, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी, यानी टी वन माइनस टी टू, और इस पर स्क्वायर भी है, तो इस पर स्क्वायर भी डालेंगे इस तरह से, ठीक है, और फिर प्लस में ये 4 ए स्क्वायर है, 4 ए स्क्वायर ब्रैकेट में टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब आप देखो कि ये जो इनटू में है और इस पर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह से ए स्क्वायर और टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर और फिर टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर और प्लस में 4 ए स्क्वायर और टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो आपके सामने 2 टर्म है, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है, ये एक टर्म है और दूसरा टर्म ये है, इन दोनों टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो ये कॉमन क्या है, एक तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है,
यहाँ भी टी वन माइनस टी टू का स्क्वायर, यहाँ भी टी वन माइनस टी टू का स्क्वायर। तो जो कॉमन है उसको हम लोग कॉमन लेंगे, तो देखो हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, ठीक है। अच्छा अब ब्रैकेट में बोलो क्या बचेगा, तो यहाँ से इस वाले टर्म में ए स्क्वायर बाहर निकाल लिए, इसको भी बाहर निकाल लिए, तो ये फोटो बच गया, यानी कि टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर बच गया प्लस में। यहाँ पे ए स्क्वायर और टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर बाहर निकाल लिए, तो प्लस में फोर बच गया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा अब आप देखोगे कि इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं रूट से, लेकिन ध्यान रहे मॉडुलस में रखेंगे। मॉडुलस में क्यों, ताकि नेगेटिव ना आ जाए। तो टी वन माइनस टी टू का ये मॉडुलस में, इसके ये तो रूट में रहेगा, ये तो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा टी वन प्लस टी टू का स्क्वायर और प्लस फोर, और ये हो गया इतना यूनिट इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, है ना, तो ये आसान क्वेश्चन था। चलिए आप चाहो तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए मैंने इंक भी डाल लिया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, यानी फोर के थ्री नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर का थ्री। तो आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, है ना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर के थ्री पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर का थ्री नंबर इसमें लिखा है ए माइनस बी और बी माइनस ए, पहला कोऑर्डिनेट है ए माइनस बी और इसका दूसरा है बी माइनस ए, ये पहला पॉइंट होगा। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है ए प्लस बी और ए प्लस बी है, ए प्लस बी कॉमा ए प्लस बी, ये हमारा दो पॉइंट है, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी निकालेंगे। तो ए बी कैसे निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए माइनस बी और फिर माइनस करेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, लेकिन आगे माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस बी माइनस ए है और बीच में माइनस देंगे, आगे माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ए माइनस बी का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस ए कट जाएगा और इसमें से कौन कटेगा, माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस बी माइनस टू बी का होल स्क्वायर, और यह माइनस ए माइनस ए माइनस टू ए का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो फोर बी स्क्वायर और प्लस फोर ए स्क्वायर आ जाएगा। फोर हम लोग बाहर निकालेंगे तो बाहर टू दिखेगा, क्योंकि अंदर से रूट से फोर कॉमन आएगा लेकिन बाहर तो टू ही दिखेगा ना, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो, ये बात एक ही है, इतना यूनिट इसका आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर थ्री, अब हम लोग इसके फोर पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर का फोर नंबर देखो, इसमें क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा है, क्या है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, और दूसरा पॉइंट है साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरा जो पॉइंट है वो है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये तो आसान क्वेश्चन है ना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस में फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग पलट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, तो इसको पलट देते हैं तो क्या दिक्कत है। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पावर टू है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये अगर फोटो है तो ये भी फोटो है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो एक फोटो प्लस एक फोटो, दो फोटो हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अंडर रूट टू ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये टू रूट्स रूट में रहेगा ऐसे, और ये रूट से बाहर आएगा लेकिन मॉडुलस में लिखेंगे ताकि कोई गलती ना हो,
और ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप फटाफट से लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करेंगे, ठीक है ना। और हम लोग थ्योरी भी देखेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि थ्योरी के साथ हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, यानी कि कुछ भी मैं स्किप करने वाला नहीं हूँ, मैं पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।